चल रहा है कि अभी हमारी हल्दी हो चुकी है, मेहंदी हो चुकी है, अब बस संगीत हो चुका है, अब शादी बाकी है। सो समहाउ हमने तीनों अवॉइड करने की कोशिश की और हमने रस्में पूरी नहीं की है, लेकिन सबके लिए तो हो रही है ना। सबके हिसाब से मेरे और अमित की संगीत भी हो चुकी है, मेहंदी भी हो चुकी है, हल्दी भी हो चुकी है, अब जो आखिरी पड़ाव है वो बाकी है। उसके एक दिन पहले का सीन है ये, तो आप समझ ही सकते हैं कि आरती पे क्या गुजर रही है, वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है। पर उससे भी बड़ा ट्रॉमा उसके लिए ये है कि आरती ये नहीं है, वो जो कर रही है प्लानिंग रिया के साथ मिलके, धोखा देना, झूठ बोलना, साजिशें करना, ये सब आरती नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिया भाभी को उनका प्यार दिलवाने के लिए जो भी कर रही है कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर, और दादी जी उससे इतना प्यार करती है, वो दादी जी जो सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है, वो आरती की साइड लेती है हर बार। और आरती कौन है इनकी? कोई नहीं है, एक बाहर की लड़की है जिनको उनका बेटा बचा कर लेकर आया था बस घर पर, और वो उसको इतना सम्मान, इतना प्यार दे रही है। अभी उन्होंने इस सीन में उसे सरस्वती माँ के साथ कंपेयर कर दिया, पार्वती माँ के साथ कंपेयर कर दिया। तो लाइक वो मुझे ये बोली कि यू आर एज प्योर एज पार्वती, और अंदर ही अंदर आरती को पता है कि मैं इसी इंसान से झूठ बोल रही हूँ कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप इन्हें धोखा दे रही हूँ। तो उसका वो बिल्डअप होता है अंदर ही अंदर, वो घुट रही है घुट रही है। एक पॉइंट वो डिसाइड करती है कि क्या किया जा सकता है, भाग नहीं सकती क्योंकि मैं फिर गिल्ट से ही मर जाऊँगी, रिया भाभी के क्वेश्चंस, इन लोगों के क्वेश्चंस, तो बेस्ट है मर जाऊँ, मर जाऊँगी तो ना किसी को जवाब देना होगा, ना कोई सवाल पूछेगा, ख़त्म कर दूँगी ज़िंदगी तो सबकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।